हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2018 में रिलीज हुई स्पेनिश बायोग्राफिकल ड्रामा सर्वाइवल थ्रिलर मूवी सोलो, जिसकी IMDb रेटिंग 5/10 की है। गाइज ये मूवी एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कैनरी आइलैंड्स के एक पहाड़ से लटका हुआ था। अब वो यहाँ कैसे पहुंचा ये जानने के लिए हमें उसकी बैक स्टोरी देखनी पड़ेगी, पर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये आदमी है कौन। सो गाइस, इस आदमी का नाम है अल्वारो और ये एक सर्फर है। अल्वारो एक सेल्फिश और एरोगेंस इंसान है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। अब ये अपने खुद के पेरेंट्स से ही ठीक से बात नहीं करता। अल्वारो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी था जिस लड़की का नाम ओना है, और ओना भी इसकी आदतों से तंग आकर इसे डंप कर देती है, पर ये फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम नीलो है। अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक बीच साइड पर एक पार्टी में थे, जहाँ नीलो इन सबको बता रहा होता है कि वो एक कैनेडियन लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और वो जल्द ही कनाडा सेटल होने वाला है। ये सुनकर उनके बाकी दोस्तों खुश होते हैं, पर अल्वारो इससे खुश नहीं होता क्योंकि इसने ऐसी ही कुछ अपनी लाइफ भी प्लान की हुई थी ऊना के साथ, पर इसके प्लान सिर्फ प्लान ही रह गए। अब आगे अल्वारो एक जगह पर बैठा होता है और तभी वो देखता है कि ऊना एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। अब अल्वारो काफी ड्रंक था इसीलिए वो जाकर उस लड़के से मारपीट करने लगता है, पर ये नशे में था इसीलिए वो उसका कुछ कर नहीं पाता, और मार खाने के बाद ये वापस अपनी जीप में आकर बैठ जाता है जहाँ नीलो आकर इससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ अल्वारो नीलो को इंडोनेशिया की फ्लाइट की दो टिकट्स देता है और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। अब रात को वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था इसीलिए वो अपनी कार में ही सो गया था। अगली सुबह वो जागता है और इस आइलैंड पर सर्फिंग करने के लिए जाने लगता है। अब वो इस आइलैंड पर पहुंचता है और पहाड़ों से होते हुए किसी तरह नीचे समंदर तक जा रहा था, और रास्ते में वो एक ऐसे पहाड़ पर था जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी, और आगे जाते जाते उसका पैर उस रेत में फिसल जाता है जिसकी वजह से वो सीधा नीचे जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को रोकने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो सीधे ही नीचे जाने लगता है। वो एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसे किसी की कॉल आ रही थी। अब वो बैग से अपना फोन निकालने के चक्कर में वापस नीचे गिरने लगता है जहाँ पर वो सीधा ही पहाड़ के एंड पर लटक चुका था। उसके नीचे काफी बड़े समंदरी पत्थर थे जिस पर अगर वो गिरता तो उसका मरना कन्फर्म था, और ऊपर तो वो जा नहीं सकता था और ज्यादा देर तक वो इस पोजिशन में रह भी नहीं सकता था। इसीलिए वो अपना दिमाग लगाता है और काउंटिंग करने लगता है। वो समंदर की लहरों की टाइमिंग कैलकुलेट कर रहा था, और किसी तरह वो कैलकुलेट कर लेता है और समंदर की लहरें जैसे ही पहाड़ तक पहुंचती है वो पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाते ही वो सीधा एक पहाड़ से टकराता है जहां पर उसकी हिप टूट चुकी थी, पर क्योंकि वो पानी के अंदर था इसीलिए उसे कुछ महसूस नहीं होता। अब वो पानी के बाहर निकलता है जहां पर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसने मौत को चकमा दे दिया, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वो जैसे ही खड़ा होता है एक बोन क्रैकिंग की आवाज के साथ वो वापस उस पत्थर पर गिर जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पेल्विस यानी कि हिप बोन टूट चुकी थी, और उसी के साथ उसके सर पर भी काफी चोट थी और उसका एक हाथ भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। अब वो इस हालत में किसी भी तरह ऊपर नहीं जा सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसे किसी की कॉल आ रही थी, और वो बैग से अपना फोन निकालता है, पर पानी में भीगने के कारण उसका फोन काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो पहले तो अपनी टी शर्ट निकालता है और अपने हाथ पर लगी इंजरी को उससे कवर करता है। उसके बाद वो उस जगह पर आराम से लेट जाता है और मदद मिलने का इंतजार करने लगता है, पर कुछ ही देर बाद उसको रियलाइज होता है कि जल्द ही रात होने वाली है और वो जिस जगह पर है वहां उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जिसके बाद वो आसपास देखने लगता है तो उसे पास ही में एक आइलैंड नजर आता है। अब वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने एक हाथ की मदद से ही समंदर में आगे बढ़ने लगता है उस आइलैंड की तरफ। अब वो काफी दूर तक पहुंच भी जाता है, पर तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि इतनी ऊपर से गिरने के बाद और इतनी सारी इंजरीज के बाद वो इंटरनली ब्लीड करने लगा था। अब इसकी वजह से वो समंदर की गहराई में डूबने लगता है। तभी वो हेलुसिनेट करने लगता है और उसकी हेलुसिनेशन में उसे ओना नजर आती है जो कि उसे मोटिवेट करती है वहां से बाहर निकलने के लिए, और अल्वारो भी होश में आता है और समंदर से बाहर निकलने लगता है। अब वो कुछ देर के बाद किनारे तक पहुंच चुका था जहां जाने के बाद वो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो ये अगला दिन था यानी कि उसे यहाँ पर आए हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और इतने वक्त में भी उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई नहीं आया। अब उसे यहाँ पर उसकी सर्फ बोर्ड नजर आती है जो कि समंदर की लहरों के साथ यहाँ पर आ चुकी थी, तो अब वो अपने आप को घसीटते हुए सर्फ बोर्ड को लेने के लिए जाता है। जहाँ जाने के बाद समंदर की लहरों की वजह से ही उसका सर एक पत्थर पर टकरा जाता है जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था और पानी उसे अपने साथ गहराई में ले जा रहा था। तभी वो किसी तरह खुद को संभालता है और अपने बैग को एक चट्टान में फंसा देता है और उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक सीगल उसके हाथ पर लगे घाव को खा रहा था, जिसके बाद वो उसे भगाता है और वापस किनारे की ओर जाने लगता है, और किनारे पर आकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है क्योंकि इसने पूरे 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था इसीलिए इसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। बिना खाने के तो वो कुछ दिन सर्वाइव कर भी लेगा, पर बिना पानी के वो ऐसी कंडीशन में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता।
अब उसे वहां पर एक एल्युमिनियम फॉइल मिलती है जिसको वो एक जमीन में गड्ढा बनाकर उसके ऊपर रखता है और उसके बाद उसके ऊपर यूरिनेट करने की कोशिश करता है। पर क्योंकि इसने इतने टाइम से पानी नहीं पिया है और वो इंटरनली ब्लीड भी कर रहा था, इसीलिए उसके यूरिन में से ब्लड निकलता है। अब वो निराश होकर वापस सोने के लिए जाता है, जहां पर वो उसी एल्युमिनियम फॉइल को अपने पैरों पर रैप कर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे बादल गरजने की आवाज आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है और वो अपनी पूरी तैयारी कर लेता है पानी को पीने और स्टोर करने के लिए। पर यहाँ नेचर भी उसके मजे ले रहे थे, क्योंकि 3-4 बूंद पानी गिरने के बाद बारिश अचानक से रुक जाती है, इतनी तेज बादल गरजने के बाद भी। अब वो वापस से निराश हो जाता है और सोने लगता है, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से सरवाइव करेगा। इसीलिए अब वो अगली सुबह जागता है और अपने खाने के लिए सीगल का शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो सीगल उसके हाथ नहीं लगता क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो शिकार कर पाए। अब यहाँ उसे उसके फोन की आवाज आने लगती है, तो वो आसपास रेत में ढूंढने लगता है और तभी उसे उसका फोन मिल भी जाता है और ये उसकी फैमिली का वीडियो मैसेज था, जो कि देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी गलतियों की वजह से आज वो उसकी फैमिली के साथ नहीं है और वो यहाँ पर फंसा हुआ है, जिसका रीजन वो खुद है। अब यहाँ उसे उसकी सर्फ बोर्ड भी मिल जाती है, जिसके बाद वो फिर से हेलुसिनेट करने लगता है और अपने दोस्तों को देखता है, जहाँ उसके दोस्त उसे सर्फिंग के लिए बुला रहे थे। अब वो इतना ज्यादा हेलुसिनेट कर रहा था कि वो सर्फिंग करने के लिए चला भी जाता है। पर जब वो इस हेलुसिनेशन के बाहर आता है, तभी वो देखता है कि समंदर में एक बोट थी जिसमें कुछ लोग थे। अब उसे खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो बोट रियल है या फिर उसकी हेलुसिनेशन, पर फिर भी वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा और वो अपनी सर्फ बोट लेकर किसी तरह से समंदर में उस बोट की ओर जाने लगता है। अब वो बड़ी मुश्किल के बाद काफी दूर तक चला जाता है, पर उसे कोई बोट नजर नहीं आती, जिसके बाद उसे ये लगने लगता है कि ये उसका कोई हेलुसिनेशन ही था। अब यहाँ अल्वारो अपनी पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो वापस तैर कर किनारे तक जा पाए, और वो यहाँ उसकी सर्फ बोट से अलग हो जाता है, जिसके बाद वो पानी में डूबने लगता है। अब वो समंदर की गहराइयों में डूब रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बोट आती है जिसमें से एक आदमी पानी में जंप लगाकर उसकी जान बचाता है, और यहाँ वो लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं, जिसके बाद अल्वारो को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में अल्वारो हॉस्पिटल में था, जहां पर वो नीलो को अपनी सारी स्टोरी बता रहा होता है, और यहां अल्वारो को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो नीलो से भी माफी मांगता है और वो डिसाइड करता है कि वो ओना को भी मूव ऑन करने देगा और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएगा, जिसके बाद एंड क्रेडिट्स में हमें रियल लाइफ अल्वारो को दिखाया जाता है, जिसके साथ ये रियल में सब कुछ हुआ था, और हमें रियल रेस्क्यू की कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाई जाती है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अब बात करते हैं उस रियल इवेंट की जिस पर यह मूवी पूरी तरह से बेस्ड है। ये कहानी है अल्वारो विस्कायनो अल्बार्तोस की, जो कि 6 सितंबर 2014 को कैनरी आइलैंड्स के एक आइलैंड फुएर्ते वेंचुरा पर सर्फिंग करने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद उसके साथ ये सारे इवेंट्स हुए, और 48 घंटे के बाद उसे इस आइलैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ बोट में बैठे लोगों ने देखा, जिसके बाद उन लोगों ने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इन्फॉर्म किया और इसकी जान बचाई। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाता रहता हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और अगर आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।